अब बात करेंगे सरायकेला खरसावां जिले की, जहां कांड्रा थाना क्षेत्र के एसएमएस आलमगंज स्टील प्लांट में ब्लास्ट हुआ है। इस दुर्घटना में मजदूर भी घायल हुए हैं। एसएमएस प्लांट ब्लास्ट मामले में कंपनी गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने किसी भी दुर्घटना या अनहोनी से इनकार किया है। सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि ब्लास्ट संबंधित कोई जानकारी इन्हें प्राप्त ही नहीं है, जबकि ब्लास्ट में कुछ मजदूर के घायल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि कंपनी प्रबंधन ने नहीं की है। बता दें कि अमलगम स्टील प्लांट के एसएमएस में अधिकांश ठेका मजदूर काम करते हैं, ऐसे में कंपनी के सुरक्षा मानकों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो ज्यादा जानकारी के जुड़ेंगे सरायकेला से हमारे संवाददाता विजय कुमार साव से। तो विजय, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है वो किस तरह से हुआ है। सरायकेला जिला के कांड्रा में अमलगम स्टील कंपनी प्लांट है जी, जहां पर तड़के सुबह 3:30 बजे एसएमएस 4 नंबर प्लांट में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें बताया कंपनी की ओर से हमने जब जानकारी लेनी चाहे तो उन्होंने, उनके जो सुरक्षा गार्ड है उन्होंने कंपनी के अंदर जाने से साफ शब्दों में मना कर दिया और उनके द्वारा बताया गया कि कंपनी में किसी तरह का कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। यहाँ तक कि जितने भी मीडिया कर्मी थे, सुरक्षा कर्मियों ने उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार तक किया। यहाँ तक कहा कि देखिए, अगर आप लोग गलत अगर समाचार निकालिएगा, कंपनी में किसी तरह का कोई घटना नहीं घटा, अगर कोई समाचार निकालिएगा तो आप लोगों के ऊपर मानहानि का केस करेंगे। विजय, इतनी बड़ी कंपनी में स्टील प्लांट में ब्लास्ट हुआ है, दुर्घटना में मजदूर भी घायल हुए हैं, लेकिन वहाँ जो कंपनी प्रबंधन है वो इस घटना से साफ साफ इनकार आखिर क्यों कर रही है? इसे बता दूं कि एसएमएस प्लांट में अधिकांश जो कार्य करते हैं मजदूर, वो सारे के सारे बाहर के होते हैं, ठेकेदार के मजदूर होते हैं, स्थानीय एक भी नहीं रहते हैं। और अगर किसी तरह की कोई भी घटना घटी है तो इस घटना को छुपाया जाता है उनके द्वारा, ताकि उनकी कंपनी की बदनामी ना हो सके। इससे पूर्व भी दो वर्ष पूर्व भी इस तरह का एसएमएस घटना घटी थी, जिसमें एक मजदूर की मौत हुई थी और उस समय भी कंपनी के द्वारा छुपाया जा रहा था। आज जो घटना घटी है, इसके विषय में भी कंपनी जो है ये पूरे मामले को दबाया जा रहा है। कितने लोग घायल है इसकी अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई इन पर नहीं की जाती? प्रशासन को भी कंपनी के द्वारा में इसकी जानकारी नहीं दी जाती है और साफ उनके द्वारा साफ तौर पर बता दिया गया कि एक छोटा सा घटना घटा है, ब्लास्ट हुआ है और किसी भी मजदूर को किसी तरह का कोई चोट या दुर्घटना नहीं हुआ है। और चूंकि ये कंपनी के अंदर का मामला है और हमने कंपनी के अंदर से के एक व्यक्ति से जब हमने फोन के द्वारा पूछा कि भाई वो कोई घटना क्या घटी है, तो उनके द्वारा साफ कहना था कि जब मैं नाइट शिफ्ट में काज कर रहा था, बहुत जोर की आवाज हुई और आवाज सुनते ही हम लोगों ने सामने जाकर के देखा तो जितने सुरक्षा कर्मी थे, सारे सुरक्षा कर्मी ने जितने भी मजदूर वहां पहुंचे थे सारे लोगों को हटा दिया और साफ शब्दों में कहा कि जी विजय, कंपनी प्रबंधन अगर इस घटना से साफ इनकार करती है तो समझ में आता है कि वो कंपनी अपनी कंपनी की इमेज को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिन मजदूरों के साथ ये हादसा होता है क्या उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती? क्या वो प्रशासन थाना में जाकर वो कंप्लेन नहीं दर्ज करवाते? क्योंकि ये सारे के सारे दूसरे स्टेट के मजदूर रहते हैं जी, झारखंड के नहीं रहते, स्थानीय नहीं रहते हैं, जिसके कारण जो ठेकेदार होते हैं वे अपने मजदूर को छुपा लेते हैं कि जिनके साथ जो घटना घटती है। और एसएमएस प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है किसी भी कंपनी में, वहां पर स्थानीय लोगों को नहीं रखा जाता है कि सबसे ज्यादा दुर्घटना एसएमएस प्लांट में होता है, कभी भी भट्टी ब्लास्ट कर जाए। और ये जो भट्टी ब्लास्ट हुआ है, आस पास के जो दीवार था, दीवार तक को तोड़ दिया गया है, जैसे स्थानीय जो मजदूर वहां बगल के प्लांट में काज कर रहे थे उन्होंने जो मुझे बताया। और हम आप
आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ खुद वहां के सुरक्षा कर्मियों ने गार्ड जो है वो दुर्व्यवहार किया, और उनका यही कहना है कि आपको जो छापना है छापिए, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी कंपनी में किसी तरह का कोई दुर्घटना नहीं घटी है, ना कोई ब्लास्ट हुआ है। जी विजय, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।